Hey everyone, this is Ansley. Welcome back to my YouTube channel and today's topic is subspecies. Let's get started. So subspecies kya hoti hai? Actually a category below species, and Linnaeus used the term subspecies when he classified subgroup of man. So ये स्पीसीज जो होती है ना कैटेगरी उसके बिलो उसके नीचे आती हैं, और ये जो टर्म यूज़ किया था ये लिनियस ने यूज़ किया था जब उन्होंने सब ग्रुप ऑफ मैन क्लासिफाइड किया था, जब मैंस के सब ग्रुप को क्लासिफाइड किया था. व्हेन अ पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीसीज स्प्लिट्स अप बाय नेचुरल बैरियर सच एज माउंटेन्स आइलैंड्स क्लाइमेट एक्सेट्रा एंड इच आइसोलेटेड ग्रुप में इवॉल्व डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स सो एज दे बिकम रिकॉग्नाइजेबल एज अ सेपरेट जियोग्राफिकल रेस और सब स्पीसीज. तो बेसिकली क्या होता है जब ये माउंटेन्स या कोई भी ऐसे फिजियोलॉजिकल मतलब फिजिकल बैरियर हो सकता है जो इन स्पीसीज के कैटेगरी को मतलब स्पीसीज जो है ये दूसरी जगह चला जाता है, सेपरेट हो जाता है. तो वहाँ पे ये चीज़ें क्या करती है, जो भी स्पीसीज होती है वहाँ के जोग्राफिकल जो भी ज्योग्राफी है वहाँ की जो भी ज्योग्राफिकल एरिया है उसको एडॉप्ट करते हैं, वहाँ पर रहते हैं और अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें डेवलप हो जाता है. तो इस स्पीसीज़ के जो अलग अलग सेपरेट पॉपुलेशन हो गई अलग अलग जगह, तो इसको हम कहते हैं सब स्पीसीज, ठीक है. और ये टर्म दिया था लिनियस ने, जबकि रेस भी क्या है, ये टर्म यूज होता है रेस या कहें या सब स्पीसीज कहें, ये टर्म यूज होता है ह्यूमन के केस में, यानी ह्यूमन पॉपुलेशन के केस में रेस को यूज किया जाता है. क्लियर. सो सब स्पीसीज इज अ टैक्सोनॉमिक सब डिवीजन ऑफ स्पीसीज ऑफन डिस्टिंग्विश्ड बाय अ स्पेशल फिनोटाइपिक कैरेक्टर एंड बाय इट्स लोकलाइजेशन इन गिवन ज्योग्राफिकल रीजन. तो फिनोटिपिक कैरेक्टर्स होते हैं जो आपको दिखाई देते हो, तो उसकी वजह से ये सेपरेट हो जाती है और सब स्पीसीज कहलाती है. और ज्योग्राफिकल जो एरिया है ना, ज्योग्राफिकल एरिया वो भी अलग उनका हो जाता है. Although सब स्पीसीज आर नॉट रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, लेकिन देखा जाता है कि जो सब स्पीसीज होती हैं वो रिप्रोडक्टिवली उनमें आइसोलेशन नहीं होता है, मतलब वो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकती हैं. तो ये होता है रिप्रोडक्शन आइसोलेशन. एंड टू सब स्पीसीज ऑफ द सेम स्पीसीज कैन इंटरब्रीड इफ दे मीट. और ये जब आपस में मिलती भी हैं तो सब स्पीसीज तो आपस में इंटरब्रीड कर सकती हैं, रिप्रोडक्शन हो सकता है. तो उसके बाद सब स्पीसीज को कैटेगराइज किया जाता है, पॉलीटाइपिक और मोनोटाइपिक होते हैं. तो इसको हम देखते हैं, तो जो सब स्पीसीज होते हैं टू टाइप्स में डिवाइड होते हैं, इनको हम पॉलीटाइपिक स्पीसीज कहते हैं और एक को हम मोनोटाइपिक स्पीसीज कहते हैं. जब एक स्पीसीज की मतलब जो स्पीसीज होता है अगर वो किसी कारण या किसी फिजिकल बैरियर की वजह से सेपरेट हो जाता है किसमें, दो या दो से ज़्यादा सब स्पीसीज में, तो उसको हम पॉली का मतलब ज़्यादा होता है, तो पॉलीटाइपिक स्पीसीज कहते हैं, सब स्पीसीज कहते हैं. एंड यही कंडीशन जब क्या होता है, जब एक सिंगल यूनिफॉर्म पॉपुलेशन ही रहता है स्पीसीज का, तो इस टाइप को हम कहते हैं मोनोटाइपिक, यानी इसमें कोई सब स्पीसीज नहीं होगा. स्पीसीज का ही क्या होता है, ज्योग्राफी फिजिकल बैरियर की वजह से सेपरेशन हो जाता है, तो ये अलग कैटेगरी बन जाती है. और फिजिकल जो फीचर्स होता है, फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स, वो भी चेंज हो जाता है, तो इसको हम सब स्पीसीज कह रहे हैं. और जब ये जो भी स्पीसीज है वो किसी भी फिजिकल बैरियर की वजह से सेपरेट नहीं हो रहा है और अलग सब स्पीसीज नहीं बना रहा है, तो उसको हम मोनोटाइपिक स्पीसीज कहते हैं. क्लियर. The scientific name of the subspecies of Indian lion is Panthera leopardica. तो ये साइंटिफिक नेम है इंडियन लायन का. और जबकि अफ्रीकन लायन का देखिए ये जो नेम है वो कभी कभी जैसे कि पैंथरा लियो लियो, तो इस तरीके से होता है. तो ये इसको हम कहते हैं सब स्पीसीज, ठीक है. जब हमारा एक स्पीसीज जाके दूसरे ज्योग्राफिकल एरिया में वहाँ के कैरेक्टर्स अडॉप्ट कर लेगा, वहाँ पे रहने के लिए अडॉप्टेशन होती है उसमें और उसके फिनोटिपिक कैरेक्टर चेंज हो जाते हैं, लेकिन जब भी वो आपस में मिलते हैं तो इंटरब्रीड कर सकते हैं रिप्रोडक्टिवली, मतलब रिप्रोडक्शन उनमें आइसोलेशन नहीं होता है, तो इसको हम कहते हैं सब स्पीसीज. छोटा सा टॉपिक है, कभी कभी शॉर्ट नोट में पूछा जाता है. तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी. अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.